आदाब दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज में। आज मैं मौजूद हूँ कामटी स्थित अब्दुल सत्तार फारूकी स्कूल में। आज यहाँ पर राय जन्नत एसोसिएशन द्वारा ऐसे कंपटीशन रखा गया था, किस विषय में था और किस तरह से राय जन्नत एसोसिएशन काम करती है, उसके सभी पदाधिकारी उसके कार्यकर्ता सब हमारे साथ है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाफिज मुजम्मिल साहब से। हाफिज मुजम्मिल साहब, मैं चाहूँगा आप बताइए कि आज आपकी एसोसिएशन द्वारा जो ऐसे कंपटीशन रखा गया था वो किस विषय में था और किस तरह के स्टूडेंट्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। देखिए, ये महीना जो है रबीउल अव्वल का महीना है, ये बहुत बाबरकत महीना है और इस महीने के अंदर सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर बहुत सारी महफिलें मजलिसें मुनाकिद होती है। तो राह जन्नत एसोसिएशन कामटी ने ये तय किया कि इस मौके पर हम लोग जो है एक ऐसे कॉम्पिटिशन रखते हैं ताकि जिससे बच्चों के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानने की दिलचस्पी पैदा हो। सीरत के मौजू पर ही ऐसे कंपटीशन यहाँ पर रखा गया है जिस पर तकरीबन हमने दो सवाल दिया है बच्चों को लिखने के लिए। वो दो मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और 8 MCQs है, वो MCQs का भी बच्चे जो है जवाब देंगे। और मजमून नवेसी का मुकाबला हमने बतौर ख़ास इसलिए भी रखा है कि बच्चों के अंदर लिखने की महारत पैदा हो। जो राइटिंग स्किल है वो आज बच्चों के अंदर से कम होती जा रही है। अभी हमने देखा कि कुछ बच्चे एप्लीकेशन लिखते टीचर्स को, हाँ। तो इस तरीके से लिखते, सिर्फ सर हमको छुट्टी चाहिए, मतलब लिखने की महारत बाकी ही नहीं बची। तो हमने ये तय किया कि नहीं, हम मजमून नवेसी का मुकाबला रखेंगे, टॉपिक देंगे, बच्चे मेहनत करके आएंगे और लिखेंगे। ख़ास बात यह है कि हमने जो टॉपिक दिया था वो एज इट इज़ टॉपिक पर बच्चे मजमून नहीं लिखने वाले थे। अच्छा। हमने एक टॉपिक दे दिया था, जैसे मान लीजिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान। अब सवाल हमने दिया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहरात के बारे में बताइए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों के बारे में बताइए, ताकि बच्चे रट कर ना आए, बच्चे बिल्कुल मेमोराइज्ड होकर ना आए, वो समझ करके आए, मालूमात हासिल करके आए। तो जिन बच्चों ने मालूमात हासिल करके आई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रिस्पॉन्स है बच्चों का, तकरीबन 180 के करीब रजिस्ट्रेशन हमारे पास में आए हैं और बच्चों ने बहुत अच्छा मजमून लिखा है। और 1 घंटे के अंदर उन्होंने 2 मजमून और 8 सवालों के 1 लफ्जी जवाब तहरीर किए हैं। ये बहुत ही अच्छा हमारा कंपटीशन हुआ है, बच्चों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से बहुत सपोर्ट रहा है। इसका हम बाकायदा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी करने वाले हैं। यहाँ पर जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, क्या उनको पहले से रजिस्टर किया गया था कि या फिर ऑन स्पॉट जो है रजिस्ट्रेशन और फिर उसके बाद पेपर शुरू हो गए? जी, सबसे पहले तो हमने रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन QR कोड और लिंक जो है ग्रुप पर शेयर किया था। अच्छा। और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही हुआ है हमारे पास में। अच्छा। बच्चों ने लिंक पर क्लिक करके QR कोड की मदद से, यहाँ तक कि कुछ बच्चों को इतनी तकलीफ़ें भी आई, जैसे ऑनलाइन का मामला, हाँ। है, सबको नहीं जमता, लेकिन दिलचस्पी इतनी बच्चों की कि बच्चे नेट कैफ़े पहुँच गए। अच्छा। हम शुक्रगुजार नेट कैफ़े वालों के भी कि उन्होंने बच्चों की हेल्प की, उनकी मदद की, रजिस्ट्रेशन उनका करके जो है उन्होंने दिया है, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और बच्चों ने इतनी दिलचस्पी दिखाई कि रातों में भी हमको फ़ोन कर रहे हैं, दिन को फ़ोन कर रहे हैं कि सर रजिस्ट्रेशन करना है। फिर आखिर में हमने ये ऐलान किया कि अगर मजबूरी के दर्जे में किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो वो जो है टाइम पर आकर के भी अपना रजिस्ट्रेशन दर्ज करा सकते हैं। और हमने लिया है बच्चों को, 8 से 10 बच्चे बगैर रजिस्ट्रेशन के आए, हमने वक्त पर उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लिया है, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। ये तो हाफिज मुजम्मिल साहब किस तरह से आज ऐसे कंपटीशन और जो प्रोग्राम रखा गया था राय जन्नत एसोसिएशन द्वारा वो उन्होंने बताया। अब राय जन्नत एसोसिएशन और किस तरह के काम करती है, इससे पहले भी कुछ प्रोग्राम जो है रब्बानी स्कूल में रखा गया था। अब्दुल रहमान साहब है हमारे साथ, बात करेंगे। अब्दुल रहमान साहब, मैं चाहूँगा कि आप बताइए आपकी जो ये एसोसिएशन है और किस फील्ड में, ये तो एक कॉम्पिटिशन हो गया, एजुकेशन की लाइन्स हो गया, और किस किस फील्ड में और क्या क्या काम एसोसिएशन कर रही है? जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी जो राह जन्नत एसोसिएशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो तंजीम है इसका नाम ही है राह जन्नत, मतलब एक जन्नत में ले जाने वाली राह। तो हम बच्चों को उस वहाँ पर लेकर जाते और ख़ास तौर से हम ये जो है एजुकेशन लाइन में अपने प्रोग्राम करते। तो लॉकडाउन भी लगा दिया गया, लॉकडाउन फिर उसके बाद से बच्चों के अंदर पढ़ने लिखने में दिलचस्पी और कम हो गई। तो इस वजह से क्या हुआ कि बच्चों के अंदर याद करने की सलाहियत, लिखने की सलाहियत, बोलने की सलाहियत, ये सारी सलाहियतें कम हो गई, होती चली गई। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी तंजीम की मदद से बच्चे उन सलाहियतों को वापस से हासिल करें और अपने शहर का, अपने वालदेन का, अपने वतन का नाम रोशन करें।
साथ ही साथ हमारी जो तंजीम है वो इस मुहिम को भी लेके चलती है कि बच्चे जो है आने वाले कल में अपने नाम के साथ साथ उनकी सलाहियत जो है वो पूरी दुनिया को दिखाए जी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछले जो हमारे दो प्रोग्राम हुए, हम सिर्फ ये नहीं करते कि उनसे एग्ज़ाम ले रहे या फिर कोई कंपटीशन या सिर्फ ऐसा सिर्फ तहरीरी मुकाबला, हम आने वाले इंशाल्लाह दौर में बच्चों के अंदर मुसाबका नात भी कराएंगे, जिसके वजह से उनके अंदर की जो सलाहियतें छुपी हुई जैसे नात वो अच्छी पढ़ सकते हैं, किरत अच्छी कर सकते हैं, हम उन सबको भी निखारेंगे। और हमारी जो एसोसिएशन है, ये हमारी एसोसिएशन का तीसरा प्रोग्राम है जी। पहला प्रोग्राम हमने एक क्विज कंपटीशन लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर 450 बच्चे आए थे, उसका इंटरव्यू भी आपने लिया था, वो काफ़ी कामयाब और नुमाया प्रोग्राम रहा था। कामटी शहर में शायद पहला ऐसा क्विज कंपटीशन हुआ था, उसके अंदर बड़े बड़े एजादात से भी बच्चों को नवाजा गया था। और दूसरा जो हमारा प्रोग्राम लिया गया था उसके अंदर हमने बच्चों को हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में बताया था। बच्चे आज जो है अपने बुज़ुर्गों से वाकिफ़ नहीं है, तो हमारा यही सब काम है कि हम बच्चों को उनके बुज़ुर्गों के बारे में बताएं, उनके अंदर की सलाहियतें निखारें, उनका नाम रोशन करके उन्हें सामने लाए। ये मैं जिस तरह से नोटिस कर पा रहा हूँ कि आप लोग जो है पूरा दीनी ताल्लुक से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कि आप लोगों को लगता है कि आपकी एसोसिएशन दुनियावी ताल्लुक से भी काम करना चाहिए? जी, हमारी जो एसोसिएशन है वो जैसे कि आपने कहा कि दीनी ताल्लुक से, हमारा ताल्लुक दीनी ताल्लुक है ज़रूर, लेकिन हम सबको साथ में लेके चलते हैं। और आने वाले कल में इंशाल्लाह हम ऐसा भी कुछ प्रोग्राम लेने जाएंगे जिसके अंदर हम सारे कौम के बच्चों को एक साथ लेकर चलेंगे। गुज़िश्ता मौके पर जो हमारा क्विज कंपटीशन हुआ था उसके अंदर 40% सिर्फ इस्लामिक क्वेश्चन थे, बाकी 60% क्वेश्चन जनरल नॉलेज पर ही मुश्तमिल थे। क्योंकि हमारा मकसद है कि बच्चों के अंदर इल्म नाफे पैदा हो, ना कि सिर्फ इल्म दीन या इल्म दुनिया, इल्म नाफे जिससे उनकी ज़िंदगी दोनों जहानों की कामयाब हो सके, दुनिया की भी और आखिरत की भी। इसी मकसद को लेकर के राह जन्नत एसोसिएशन काम कर रही है। ये हमारी पूरी कमेटी है, प्रेसिडेंट वाहिद बिलाल साहब, मैं सेक्रेटरी हूँ, ये असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं अब्दुलरहमान साहब, तफसीर जुनैदी साहब असिस्टेंट सेक्रेटरी है, मोहम्मद फराज, अमीन सादिक, अब्दुलरहमान और रेहान जावेद साहब ये मेम्बरान हैं, मोहम्मद अकदस साहब मेम्बर है। ये सारे बहुत मेहनत करते हैं जबकि इनकी तालीम भी चालू है, और इसी के साथ में ये लोग सामाजिक खिदमात भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूँ इस स्कूल के प्रिंसिपल अली जनाब नकीब सर का, उन्होंने हमें एग्ज़ाम सेंटर के लिए स्कूल मरम्मत फरमाई। और बतौर ख़ास मैं NGP न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी मसरूफियत के बावजूद भी हमारे प्रोग्राम को जो है कवर करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, हम तहदिल से आपके ममनून और मशकूर हैं। हाफिज़ मुजम्मिल साहब, ये तो आपने प्रोग्राम के बारे में बताया, एसोसिएशन के बारे में बताया, अब जो लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट किए हैं इसका रिज़ल्ट कब आने वाला है और किस तरह से उनका चयन किया जाने वाला है और किस तरह का प्रोग्राम होने वाला है रिज़ल्ट के ताल्लुक से? देखिए, हमने तय किया है कि 12 रबीउल अव्वल बतारीख 28 सितंबर बरोज़ जुमरात बाद नमाज ईशा फौरन मरकज़ मस्जिद कंपाउंड वारिसपुरा कामटी में हम लोग जो है मजलिस नताइज और तकसीम इनामात की तकरीब को मुनाकिद करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पर आने वाले बच्चों को खसूसी इनामात से नवाजा जाएगा। हमने दो शिफ्ट दो ग्रुप तय किया है, दोनों ग्रुप के बच्चों को नवाजेंगे। स्पेशली हमने एक चीज़ ये रखी है कि ऐसे इवेंट्स में ऐसे कॉम्पिटिशन्स में बॉयज़ की तादाद बहुत कम होती जा रही है जी। अभी भी 80% गर्ल्स ने हिस्सा लिया और ओनली 20% बॉयज़, तो हमने देखे कि जितने बॉयज़ ने हिस्सा लिया है हम उनको खसूसी इनामात से नवाजेंगे, ताकि और दूसरे बॉयज़ के अंदर में हौसले पैदा हो और उनके हौसलों को महमीज अता हो, तो हम उनको खसूसी इनामात से भी नवाजेंगे। साथ ही साथ तमाम पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने हिस्सा लिया है हम सर्टिफिकेट से नवाजेंगे 28 तारीख को मरकज़ कंपाउंड में। दोस्तों, हमने राह जन्नत एसोसिएशन के लोगों से बात की, किस तरह का एग्ज़ाम है और किस तरह से संस्था काम करती है इस बारे में बात की, लेकिन आज एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात करना ज़रूरी है कि उनका क्या फीडबैक है इस एग्ज़ाम को लेकर। क्या नाम है आपका? अलीबा जैनब। अलीबा, क्या बताना चाहोगे कि किस तरह का एग्ज़ाम था, क्या फीडबैक देना चाहोगे? एग्ज़ाम तो बहुत ही अच्छा था, जैसे इन्फॉर्मेशन मिली थी उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आए और मैंने जो डाउट था पूछे तो मुझे एक्सप्लेन भी किया गया और बहुत ही ईजी पेपर था। ईजी था। किस तरह से रजिस्ट्रेशन हुआ आपका यहाँ तक पहुँचना, किस तरह से उसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी था और यहाँ पर आने के बाद भी किया जा रहा था, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई रजिस्ट्रेशन के बारे में। और जो पेपर था वो बहुत ही बेहतरीन था, जिसके लिए अगर किसी को नॉलेज नहीं थी तो उसके लिए पहले ही फॉर्म तैयार कर चुके थे, पहले ही वो दे चुके थे हम लोगों को कि किस तरह से आने वाला है, हम लोगों ने उसकी तैयारी की थी और माशाल्लाह से बहुत अच्छा पेपर था। और जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, एक नॉलेज का ज़रिया भी बन रहा है हम लोगों के लिए। एग्ज़ाम हॉल में जो लोग थे राह जन्नत एसोसिएशन के, किस तरह से उनका, वो लोग किस तरह से सपोर्ट कर रहे थे, उनका रवैया थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। राह जन्नत एसोसिएशन में काफ़ी अच्छे थे सभी सर जनाब, लड़के लोग सभी बहुत ही अच्छे थे, सभी का मिजाज बहुत अच्छा था। हमने जितने भी सवाल किए उन्होंने हर एक से अच्छे से समझाया, हमें बहुत अच्छा लगा। पेपर काफ़ी इजी था, इन्फॉर्मेशन सारी मिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद। हम जब यहाँ पर पहुँचे तो सारे जनाब प्रिंसिपल सब मौजूद थे, हमें काफ़ी अच्छा लगा। आप क्या बताना चाहेंगे, क्या फीडबैक देना चाहेंगे? पेपर हो गया आपका? हो गया। क्या बताना चाहिए? हम ये बताना चाहता मैं कि ये जैसे हमने उम्मीद किया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा इन लोग ने वो करा कंडक्ट पेपर को, और पेपर बहुत ही इजी था। और इसमें और लैंग्वेजेस के ऑप्शन अवेलेबल थे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। आपने किस में दिए? इंग्लिश। इंग्लिश में क्या इजी लगा, टफ लगा, कैसा? इजी लगा। इजी लगा, हाँ। कुछ भी डाउट था तो इन्विजिलेटर से आके बहुत अच्छे थे, सब बता रहे थे, आंसर बता रहे थे डाउट जो था। चलिए, तो क्या ओवरऑल फीडबैक देना चाहेंगे? सब बढ़िया था, है ना? आप लोगों ने किस में, कौन से लैंग्वेज में किए? उर्दू लैंग्वेज। अब सबका उर्दू लैंग्वेज था। दोस्तों, स्टूडेंट से बात की, राह जन्नत एसोसिएशन के लोगों से बात की। हम एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से एजुकेशन सेक्टर में मैं देख रहा हूँ कि एसोसिएशन काम कर रही है, आप लोगों की एज ए स्टूडेंट क्या उम्मीद है कि एसोसिएशन ने और क्या करना चाहिए जो स्टूडेंट्स के लिए और ज़्यादा मुफीद साबित हो? जैसे राह जन्नत ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया सीरतुल नबी पर, तो जिन लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं थी उन्होंने प्रैक्टिस की तो उन्हें और मालूमात हासिल हुई। इसी तरह से अगर अलग अलग टॉपिक्स पर और कंडक्ट किए जाएंगे तो लोग बच्चों को मालूमात हासिल होंगी इसके ज़रिए से। एजुकेशन के अलावा किसी और फील्ड में भी काम करना चाहिए जी, जैसे ड्राइंग, क्राफ्ट, जिससे बच्चों का हौसला अफजाई होती है। दोस्तों, कुछ इन्विजिलेटर्स भी है हमारे साथ, क्या बताना चाहेंगे आप लोग? यहाँ का इंतज़ाम बहुत आला हुआ है, यहाँ पे बच्चों की मेहनत देख के हमें इतना अच्छा लग रहा है, इतनी मेहनत से लिख रहे हैं बच्चे, और बाकी बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया है यहाँ पे। राह जन्नत कमेटी के मेंबर्स ने हमें बतौर इन्विजिलेटर इनवाइट किया है, हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इंतज़ाम बहुत अच्छा था यहाँ पे, बच्चों ने अपनी फुल मेहनत से लिखे। ऑर्गेनाइज जिस तरह से किया गया एसोसिएशन द्वारा, क्या लगता है कि कुछ कमी बेशी? नहीं नहीं, यहाँ पे इंतजाम बहुत बढ़िया था, सब एकदम वेल डब होता। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय रॉयल अफगान फैमिली रेस्टोरेंट, जहाँ आपको मिलती है वेज और नॉन वेज खाने में अलग अलग वैरायटी और टेस्ट ऐसा कि जुबान से निकले वाह मजा आ गया। इतना सब कुछ और वो भी आपकी पॉकेट बजट में, तो हैदराबादी मंदी है खाना तो रॉयल अफगान ही आना। तो आज ही विजिट करें अपोजिट धर्मराज हाई स्कूल, हाईवे रोड, कांदरी, कन्हान।